नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे डोडो टेक्निकल चैनल में। तो चलिए आज का टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले खबर निकल के आ रहा है रेडमी नोट 9 के बारे में, जिसका लॉन्च डेट 20 जुलाई को रिलीज हो चुका है और यह आप फ्लिपकार्ट में जाके परचेज भी कर सकते हैं। और इसका प्रोसेसर मीडिया टेक हेलियो G85 होने वाला है। और जिन मेरे दोस्तों को अगर गेमिंग के लिए अगर कोई फोन लेने का सोच रहे हैं तो ये बेस्ट फोन हो सकता है। और इसका रिव्यू मैं जल्द इस अपने चैनल में लेके आऊंगा। तो यहाँ पे दूसरा खबर निकल के आ रहा है हमारे गूगल बाबा की तरफ से, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि गूगल हमारे इंडिया को $10 बिलियन इन्वेस्ट किया है कि हम इंडियंस अपने डिजिटल वर्क्स को इम्प्रूव करें। और मुझे यह जान के बहुत अच्छा लगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले खबर के न्यूज में। तो जहाँ पे निकल के आ रहा है सोमी की तरफ से कि रेडमी नोट 8 जो पिछले साल फोन एक रिलीज किया गया था, वो फोन का रिलीज लॉन्च प्राइस 10,000 रखा गया था, जो कि रेडमी ने पांचवें बार इस साल उसका प्राइस बढ़ा दिया है। और अभी उसका प्राइस हो चुका है 12,500, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। और अगर आपको इस प्राइस रेंज में अगर कोई फोन लेना है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पे अगले खबर को लेके, जो कि सैमसंग की तरफ से आ रहा है, जिसमें एक सैमसंग की तरफ से एक फोटो लीक हुआ है जो कि गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा का है। और जो कि बताया गया है, जिसे मैंने देखा है गूगल पे, और वो एक बेहतरीन फोन होने वाला है पबजी के लिए, और जो कि 55 से 60 हज़ार के रेंज में आएगा। तो अगर आप लोग अगर फोन को लेना चाहते हैं अगर इस रेंज में, तो मैं ये फोन जरूर रिकमेंड करूंगा। और इसका जो बैक डिजाइन है वो एक ट्रिपल कैमरा रियर के साथ आता है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे वीवो के न्यूज की तरफ, जिसमें एक लीक के मुताबिक ये पता चल रहा है कि वीवो एक X50 के नाम से एक सीरीज लॉन्च कर रहा है, जिसमें दो फोन होंगे, X50 और X50 Pro, जिसमें क्वाड कैमरा सेटअप होगा और विद 60x हाइब्रिड जूम, जिसमें कि यह बताया जा रहा है कि अगर आप बहुत कोसों मील दूर का एक फोटो लेना चाहते हैं तो आप उसे इतना पास ले आके उसके बाद क्लिक करिएगा, तो फिर ये एकदम पूरा सामने आपके सामने लगेगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन फीचर है जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप अगर कोई फोन लेना चाहते हैं, अगर आपको फोटो में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर आप ये फोन जरूर लें। और पबजी के लिए तो ये फोन बेस्ट है ही। तो चलिए, तो दोस्तों पढ़ते हैं अपने आखिरी और लास्ट टेक न्यूज की तरफ, जो कि रियलमी की तरफ से है, और जहाँ पे पता चला है कि आज 14 जुलाई, जो कि Realme 6i एक फोन है, वो आज लॉन्च हुआ है, और जिसमें प्रोसेसर बहुत बढ़िया है और उसका चार्जर बहुत अच्छा फास्ट चार्जर है। डिस्प्ले क्वालिटी 90 Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और जो कि अंडर 15,000 होने वाला है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई फ़ोन लेना है और आपका बजट 15,000 से कम है या फिर 15,000 है, तो ये फ़ोन एक बार मेरे हिसाब से ज़रूर ट्राई करें, और पबजी के लिए तो बेस्ट होने वाला है। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ढेर सारे टेक न्यूज़ के साथ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए।